प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। इसहाक के बारे में, आइसक के बारे में, अब्राहम का बेटा। बाइबल में एक मैरिज, एक शादी, उस विषय का सबसे बड़ा एक नमूना आप आइसक का यानी कि इसहाक की शादी में देख सकते हैं। परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के अनुसार और अब्राहम साराय उनके माता पिता की पूरा इच्छा के अनुसार, माता पिता की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इसहाक ने शादी किया है। एक अच्छा आदर्श है विवाह के विषय में। और इसहाक के बारे में 26:12-13 में लिखा, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। Then Isaac planted in the land and reaped in the same year 100 times. The Lord blessed and favored him. And the man Isaac became great and gained more and more until he became very wealthy and extremely distinguished. ये अकाल के समय पर देश में बोया, 100 times उनको हार्वेस्ट मिला, कटनी मिला, क्योंकि पिता का आशीष, स्वर्गीय पिता का आशीष भी, शारीरिक पिता की आशीष भी इसहाक के ऊपर होने की वजह से जिस बातों में वो हाथ रखा सफल होते 100 गुना रिजल्ट आया। अब्राहम के समय पर अब्राहम ने कुछ कुआओं को खोदा था जो फिलिस्तीनियों ने मिट्टी डालकर भर गया था। आगे लिखा है इसहाक ने जाकर उन कुआओं को खोदने लगा, लोगों ने फिर लड़ाई किया, लेकिन 22 आयत में एक और बार उसने कुआ खुदवाया और कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आया, इसलिए उसका नाम रेहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे बोलकर रेहोबोत नाम दिया है। इंग्लिश में फॉर नाउ द लॉर्ड हैज मेड रूम फॉर अस एंड वी शैल बी प्रॉस्परस इन द लैंड, और रेहोबोत नाम दिया है। पिताओं के समय पर जो था फिर से वो देखना चाहा एंड ही बिकम प्रॉस्परस इन द लैंड। परमेश्वर ने उसको देश में आशीष दिया, बरकत दिया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा, शारीरिक माता पिता को भी आदर करते हुए जिएंगे। इस देश में, लैंड में, इस देश में परमेश्वर में आदर करेगा, आशीष देगा, बरकत देगा। एक रेहोबोत आपके लिए भी परमेश्वर देगा। God bless you. God be with you. Shalom.